हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में वृत्त की परिभाषा, जीवा की परिभाषा, छेदक रेखा की परिभाषा बताया गया है। अब आइए आज प्रमेय दूसरा, थियरम टू। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। प्रमेय आपका है बाह्य बिंदु से, देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और बाह्य बिंदु पर हमने एक बिंदु लिया है ए। यही कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, एक स्पर्श रेखा एपी है और एक स्पर्श रेखा एक्यू है, इसकी लंबाइयां बराबर होती हैं। यह हमें सिद्ध करना है। प्रूफ दैट, हमें यह सिद्ध करना है कि एपी और एक्यू आपस में क्या है, बराबर है। एपी और एक्यू यही जो है क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और हमें सिद्ध कर देना है एपी और एक्यू क्या है, बराबर है। तो देखिए, इसमें एपी और एक्यू में रिलेशन बनाने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रचना में आपका रचना क्या है, ओपी ओक्यू और ओए को मिलाया। रचना में आप लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का हिंदी में अर्थ होगा रचना। और रचना में लिख देंगे ओपी ओक्यू और ओपी ओक्यू और ओए को मिलाया, को मिलाया। यह आपका रचना हो जाएगा। और रचना करेंगे तो आपका दो त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ए ओ पी बनेगा और एक त्रिभुज बनेगा ए ओ क्यू बनेगा। और इसी को हम क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हमारा सिद्ध हो जाएगा स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर किसी बाह्य बिंदु से, यही प्रमेय है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपका बाह्य बिंदु क्या है, एक्सटेरियर पॉइंट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आपका ए है। और यही जो है कि एपी और एक्यू को आपस में हम सिद्ध कर देना है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्शियां खींची जा रही हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो रचना में क्या करेंगे, ओपी ओक्यू और ओए को क्या कर देंगे, मिलाएंगे और इसको हम सिद्ध कर देंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। तो आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा उपपत्ति, उपपत्ति जिसको हम प्रूफ बोलते हैं, प्रूफ। अब जो है कि प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। प्रमेय एक में हमने बताया था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ओपी लंब ओए, ओपी लंब क्या हो जाएगा, ओपी लंब हो जाएगा आपका एपी, ओपी लंब हो जाएगा आपका एपी। अभी आप प्रीवियस वीडियो में आपको प्रमेय बताया गया था कि ओपी लंब एपी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, या प्रीवियस वीडियो में बताया गया। तो इसको लिख देंगे ओपी लंब एपी। इसी प्रकार यह भी स्पर्श रेखा है तो लिख देंगे ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, आपके 90 अंश हो जाएंगे। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है,
लंब होती है, तो यह हो जाएगा ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी और ओक्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्यू। तो हमारा यह क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बना। अब इसी में हमको सिद्ध करना है, तो आइए इसको सिद्ध किया जाए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एपीओ और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक्यूओ में। अब इसी त्रिभुज में हम इसको सिद्ध करेंगे, तो आइए सिद्ध किया जाए। अब इसमें क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ओपी और ओक्यू आपस में क्या है, बराबर है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, नंबर एक। और यहां पर तर्क देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो अब जो है कि लिखेंगे दूसरा नंबर, यहां पर लिख देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी तो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए ओपी, इसलिए ओपी और ओक्यू आपस में क्या होगा, आपका बराबर होगा। अब जो है कि लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA, नंबर दो। अब जो है कि आप देख रहे हैं कि OA इज इक्वल टू OA क्या है, आपका उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पर तर्क दे दीजिएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब जो है कि देखिए, अभी आप प्रमेय एक से पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो आप इसको लिखेंगे एंगल, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एंगल ए पी ओ और एंगल ए क्यू ओ आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर तर्क देंगे तीसरा नंबर पर, उस प्रमेय के आधार पर यह 90 डिग्री बनाएगा, 90 अंश का कोण। तो यह लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। और देखिए आप पढ़े हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग समता। अब देखिए आर एच एस है क्या, आर से हो गया राइट एंगल, एच से हो गया आर का मतलब राइट एंगल समकोण, एच को कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का हिंदी में अर्थ होता है कर्ण, और एच का मतलब साइड, साइड का हिंदी में अर्थ होता है भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा। अब देखिए इसमें 90 अंश की सामने की भुजा OA क्या है, यह आपका कर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा 90 अंश की सामने की भुजा यह आपका क्या हो जाएगा, OA जो है यह क्या है, कर्ण है। तो आर एच एस सर्वांग समता से राइट एंगल, 90 अंश देख रहे हैं, प्रत्येक 90 अंश। और जो है कि OA बराबर OA उभयनिष्ठ है, और ध्यान दीजिए आईएस का मतलब साइड, साइड का मतलब यह है कि ओपी और ओक्यू देख रहे हैं कि आपस में क्या है, बराबर है। तो आर एच एस सर्वांग समता से राइट एंगल, एच को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस का हिंदी में अर्थ होता है कर्ण, और यह साइड है, साइड का हिंदी में अर्थ होता है भुजा। समकोण कर्ण भुजा, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा समकोण, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। अब यह त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी ओ कांग्रुएंट ट्रायंगल
AQO। इसको पढ़ेंगे ट्रियंगल, ट्रियंगल को हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। ट्रियंगल APO कांग्रुएंट, कांग्रुएंट का हिंदी में अर्थ होता है सर्वांगसम। ट्रियंगल AQO यह दोनों त्रिभुज आपने सिद्ध कर दिया सर्वांगसम, इसलिए इसलिए आपका हो जाएगा AP इज इक्वल टू AQ। यही आपका क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपकी प्रमेय है कि किसी बाह्य बिंदु से आपका, देखिए बाह्य बिंदु है क्या, A है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई है। स्पर्श रेखा AP है और AQ है, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात AP और AQ को हम सिद्ध कर दें कि आपस में क्या है, बराबर है, तो हमारा यह प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। रचना में हमने क्या किया कि OP, OQ और OA को हमने क्या किया, मिलाया, और जब हम मिला देंगे तो आपका दो त्रिभुज बनेगा APO और AQO। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका कि इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें। सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो अब यहाँ पर पहला स्टेप यह रहेगा OP इज परपेंडिकुलर टू AP। OP जो है, OP इज परपेंडिकुलर टू AP। आप प्रमेय प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, तो उसी के माध्यम से हम लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AP। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं OQ इज परपेंडिकुलर टू AQ। अब यह जब हो जाएगा स्टेप, इसके बाद समकोण त्रिभुज APO और समकोण त्रिभुज AQO में लेकर चलेंगे, और यह प्रक्रिया आपको हम बताए हैं, और इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि OP इज इक्वल टू OQ, यह एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB, OA बराबर OA, यह क्या है, उभयनिष्ठ है। और तीसरा नंबर पर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO, यह प्रत्येक क्या है, 90 अंश है, क्योंकि यह प्रमेय का यूज किए हैं तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक 90 अंश है। तो समकोण कर्ण भुजा से, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, समकोण कर्ण भुजा से यह दोनों त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APO और समकोण त्रिभुज AQO दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि AP इज इक्वल टू AQ। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में थ्योरम नंबर 1 बताया गया था, प्रमेय 1 प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, उसी का यह विलोम है। क्या है, एक वृत्त में त्रिज्या के दूसरे सिरे पर खींचा गया लंब, एक वृत्त में त्रिज्या के दूसरे सिरे पर खींचा गया लंब वृत्त की क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में प्रमेय 1 बताए थे, उसी का यह विलोम है। अब आइए रिमार्क पर ध्यान देते हैं। यदि दो वृत्त अंततः या बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यदि दो वृत्त हैं आपके, और देखिए इसमें जो है कि यह दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, और यहां पर वृत्त क्या है, अंततः स्पर्श कर रहा है। यही कह रहा है कि यदि दो वृत्त अंततः या बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। जैसे इस O डैश को हम मिला दिए और यह देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा है, और यह आपका स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु केवल एक ही रहेगा, तो यह जो है दोनों स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु आपका P है, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर O डैश को मिलाएंगे, उस पर यह बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या होगा, स्थित होगा। उन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर क्या होगा, स्पर्श बिंदु क्या होगा, स्थित होगा। या तो वह वृत्त बाह्यतः स्पर्श करता हो या वृत्त क्या हो, अंततः स्पर्श करता हो, दोनों स्थितियों में उन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर उसका स्पर्श बिंदु क्या होता है,
स्थित होता है। और एक चीज आपको अभी बताया गया था कि बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इसमें इसका उपप्रमेय बनेगा, यदि एक बाय बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वे केंद्र पर क्या करेंगी, समान कोण बनाएंगी। ध्यान से सुनिए, यदि बाय बिंदु से हम वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अभी सिद्ध किया गया है। तो इसमें जो है कि यदि एक बाय बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो वे केंद्र पर क्या करेंगी, समान कोण बनाएंगी।